हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में होगा बिहार एसटीटी से जुड़ी हुई खबरें। साथ में हम लोग चलेंगे नॉर्मलाइजेशन की तरफ और देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, किनको नुकसान हो सकता है, किस शिफ्ट में देने वाले को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग पहलुओं को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लोगों की उम्मीदें नॉर्मलाइजेशन पर टिकी हैं कि नॉर्मलाइजेशन से उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग खबर की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलेंगे। आपके स्क्रीन पर अभी जो ट्विटर हैंडल का जो ट्वीट दिख रहा है, ये इसका स्क्रीनशॉट तकरीबन सारे ग्रुप्स में वायरल हो रहा है और काफ़ी लोगों तक ये पहुंचा है। कई लोगों ने मुझ तक भी पहुंचाया है और इस ट्विटर हैंडल पर आकर के मैंने चेक किया, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर को पेपर में विज्ञप्ति निकलेगी एसटीईटी री एग्ज़ाम का आंसर की और 12 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब देखिए ये ट्विटर हैंडल है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मुझे नहीं पता ट्विटर हैंडल को कौन चला रहे हैं। दूसरा बात है, ये कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, बिहार बोर्ड का या बेल्ट्रॉन का कोई ऑफिशियल, ये किसी ने बना रखा है, किसने बना रखा है पता नहीं। और तीसरी बात है वो ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे, कोई भी खबर रहे, उसका इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी होना चाहिए। आप किस आधार पर किसी बात को कह रहे हैं? अगर कल आ जाता है सच में, जैसा कि ये बोल रहे हैं, अगर कल सच में आंसर की आ जाता है तो बहुत अच्छा है, सभी एसटीईटी का एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। तो अभी कल ही पता लगेगा कि ये खबर कितनी सही है, कितनी गलत है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। अगर कोई बिहार बोर्ड का ऑफिसर इस तरह की बात कहता तो उस बात को कह सकते थे कि ये बिल्कुल 100% सही खबर है, लेकिन चूँकि खबर बहुत जगह पर फैल गई है और मुझे पता नहीं है कौन चलाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अभी हम लोग चलेंगे जो नॉर्मलाइजेशन की बात मैं कर रहा था उसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन से किन लोगों को फ़ायदा है, किन लोगों को नुकसान है, वो सारी बातें होंगी। नॉर्मलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को कॉल आया है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है, कईयों को कॉल आया है और कोई प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ या बेल्ट्रॉन से बोल रहा हूँ, आपका मार्क्स बढ़ा देंगे, आप पैसा जमा करें, जैसा कि लास्ट टाइम हो रहा था। तो उन लोगों से सावधान रहिए, किसी को भी एडवांस में कोई पैसा बिना मिले हुए किसी को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग जो इस तरह के दावे करते हैं, चाहे पेपर लीक का दावा हो, चाहे मार्क्स बढ़ाने का दावा हो, ये सब झूठ होता है। कुछ लोगों के पास पहुंच होती है ऊपर तक, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो ऐसे आपको फ़ोन नहीं करते रैंडमली कि मुझे 10,000 रुपये दो, मैं तुम्हारा मार्क्स बढ़ाता हूँ, नहीं आता वो। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। और कई सारे मैं ये भी देख रहा हूँ, कई लोग फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग करके आपस में ही, एक बंदा कोई बोर्ड का ऑफिसर बन गया, एक कोई बेल्ट्रॉन बन गया, आपस में ही बात करके के भी कई लोग रिकॉर्डिंग को चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी सावधान रहिए। अभी बस आंसर की का वेट है, जब आएगा तो आपको बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ, नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ हो सकता है। एक दिन पहले मैं नॉर्मलाइजेशन पर वीडियो बनाया था और नॉर्मलाइजेशन ने बताया था कि इनका 40-50 नंबर आ रहा है, उनको क्या बदलाव हो सकता है उनके मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो वन बाय वन हम लोग चलेंगे नॉर्मलाइजेशन के सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले नोटवर्दी पॉइंट्स देखिए, देयर इज़ नो फार्मूला सिस्टम डैट कैन डू 100% फेयर नॉर्मलाइजेशन। इसको समझाते हैं, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, SSC का फार्मूला अलग है, रेलवे बोर्ड का फार्मूला अलग है, बेल्ट्रॉन क्या लगाएगा, बिहार बोर्ड क्या फार्मूला लगाएगा पता नहीं अभी। कोई भी ऐसा सिस्टम या ऐसा फार्मूला नहीं है जो एग्ज़ाम को 100% नॉर्मलाइज कर दे। अगर 100% फेयर एग्ज़ाम चाहिए, एक ही ऑप्शन है कि एक एग्ज़ाम हो, एक ही तरह के क्वेश्चन सभी कैंडिडेट को दिया जाए, तभी आप कह सकते हैं कि हमने ईमानदारी से हर एक ही पैरामीटर बना करके, एक ही उसका कंडीशन बना करके सभी स्टूडेंट्स को परखा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो नॉर्मलाइज कर दे प्रॉपरली। कोशिश किया जाता है कि बैलेंस किया जाए। अब इस बैलेंस में क्या होता है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जो लोग थोड़ा सा डाउन साइड पर रहते हैं, जिनकी किस्मत नहीं चलती, उनको नुकसान हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो 100% फेयर नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला नहीं है, सब लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं नॉर्मलाइजेशन को। नॉर्मलाइजेशन ऑफन गोज इन फेवर ऑफ फर्स्ट शिफ्ट। जो भी लोग रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी लोग कोचिंग चला रहे हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है जिनका इन तमाम SSC रेलवे हर तरह के एग्जामिनेशन, आप उनसे बात कीजिए। ये वेल नोन
थिंग है, ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है आमतौर पे। वैसे नेचुरल फ़ायदा उनको होता है जिनके शिफ्ट के क्वेश्चन टफ आते हैं। नेचुरली अगर आप देखें फार्मूला के हिसाब से, तो उनको जिस भी शिफ्ट का मीन मार्क्स कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स का फ़ायदा होगा। सारा जो डिपेंडेंसी है वो एवरेज मार्क्स और मीन जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये जानने के लिए मेरा एक दिन पहले का वीडियो देखिए, उसे मैंने सारा कुछ निकाल के समझाया था। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को फ़ायदा होता है इसका, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल से अनजान होते हैं, पैटर्न से अनजान होते हैं, जो अगले कुछ दिन आने वाला एग्ज़ाम होता है वो लोग तैयार हो जाते हैं उसी हिसाब से। तो आमतौर पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को फ़ायदा होता है। मैथ और सोशल साइंस, जी हाँ, एक दिन पहले जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने ये बात कहा था कि जो लोग 50-60 नंबर ला रहे हैं उनका 30-40 नंबर बढ़ सकता है, पर वो बात मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कहा था, सिर्फ मैथ और सोशल साइंस के उन शिफ्ट के लिए कहा था जहाँ पर टफ क्वेश्चन पूछा गया। मैथ में और सोशल साइंस में जिस भी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछा गया उनको भी कोई उस तरह का फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। सिर्फ जिस भी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आया वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 30-40 नंबर मिलेगा, बाकी लोगों को 5-10 नंबर ही मिल जाए तो बहुत है। और जैसे कि भाषा का सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, उनको तो मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी फ़ायदा ना हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से उम्मीद रखना है तभी हो सकता है जब बहुत बड़ा वेरिएशन हो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में, बहुत बड़ा वेरिएशन होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट ऑफ बेस सेशन विल नॉट गेट एडवांटेज। जी हाँ, बेस सेशन वाले को कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। रेलवे जिस तरह से अपना नॉर्मलाइज करता है मार्क्स को, आप RRB की किसी भी वेबसाइट पर जाके देखिए। जब मैंने भी वीडियो बनाया इससे पहले मैंने कई वेबसाइट देखा, कुछ लोगों से बातचीत भी किया, तो ये जो आउटकम है ये कई लोगों के नॉलेज का इकट्ठा एक जगह एक्सट्रैक्ट किया हुआ है मैंने। तो RRB अपनी वेबसाइट पर क्लियरली ये लिखता है कि वो बेस सेशन के कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं देगा, जितना उनका आ गया आ गया। अब बेस सेशन क्या होता है ये मैंने एक दिन पहले वीडियो बना करके बताया था आप लोगों को कि बेस सेशन क्या होता है। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लें कि हम कंप्यूटर साइंस में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 18 मॉर्निंग, उसके बाद 21 को 3 शिफ्ट लगा, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि 18 दोपहर 18 शाम वाले मिले नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, 18 सुबह और 21 को 3 शिफ्ट का मान रहा हूँ मैं, 4 शिफ्ट मिला। अब इन चारों में से कोई एक शिफ्ट होगा जो बेस सेशन बनेगा, बेस शिफ्ट बनेगा। अब उसका सिलेक्शन इस बेसिस पर होगा कि सभी शिफ्ट के कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा या मीन मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, और जिस भी शिफ्ट का मीन मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा वही बेस सेशन बन जाएगा, और बेस सेशन के कैंडिडेट जो होंगे उनका जितना आ गया सो आ गया, वो 1-2 नंबर का भी फ़ायदा उनको नहीं होने जा रहा है। इस बात को आप समझ लें अभी से, ये हर जगह पर आप किसी भी नॉर्मलाइजेशन के जो एक्सपर्ट है, जो लोग ये सब काम करते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, इनको काफ़ी आइडिया, उन लोगों से आप बात करके देख लें, बेस सेशन वाले को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अब जो 4 शिफ्ट हुआ है एग्ज़ाम, इन चारों में से बेस शिफ्ट बनेगा कौन सा? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, पीछे हम लोग उसकी बात कर चुके हैं, मैथ और सोशल साइंस की बात कर चुके हैं। मैथ वाले में तो क्लियर था, मुझे डेट या शिफ्ट याद नहीं है वो कौन सा डेट शिफ्ट था, पर वो शायद आफ्टरनून शिफ्ट में था जब क्वेश्चन आसान पूछा गया था मैथ वालों का, मुझे ठीक से याद नहीं। पर कंप्यूटर की अगर बात करें तो 4 शिफ्ट में से देखिए, 21 दोपहर का शिफ्ट बेस शिफ्ट नहीं बनेगा, 21 मॉर्निंग का भी कम चांस है। उसका रीज़न मैं ये बोलता हूँ कि 18 का जब क्वेश्चन आया तो लोगों में ये मैसेज चला गया कि MS ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जेनरिक क्वेश्चन आ रहे हैं, रैम रोम का फुल फॉर्म बताओ, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बताओ, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, लोगों ने MS ऑफिस की तरफ से हट गए तैयारी करने से, या उस पर तवज्जो नहीं दिया, उस पर फोकस नहीं किया। तो 21 शिफ्ट वालों के साथ, और जब 21 शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में गए तो वहाँ पर काफ़ी एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन जो था MS ऑफिस से डाल दिया गया, तो थोड़ा सा वहाँ पर परेशानी थी। 21 दोपहर का क्वेश्चन टफ था ऑन एन एवरेज, अभी तो जब आएगा सबका रॉ मार्क्स तब पता लगेगा।
और 21 शाम में क्या हुआ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया, लगातार 30-30 क्वेश्चन एक एक जगह से इस तरह से करके 21 शिफ्ट में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेन किया है कि उनका एग्ज़ाम टफ हुआ या उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से या तो 18 मॉर्निंग वाला शिफ्ट बेस स्टेशन बन जाएगा या तो फिर 21 इवनिंग वाला बेस स्टेशन बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई शिफ्ट हो सकता है जो बेस स्टेशन बनेगा। हालांकि 21 मॉर्निंग का भी बन सकता है लेकिन चांस कम है, 21 दोपहर का बनेगा इस बात का चांस बहुत ही कम आप रखिए। ये सारी बातें थी। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो मान लें कि एक शिफ्ट में 10,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और चार शिफ्ट लगे तो 40,000 एग्ज़ाम दिया, हालांकि नंबर वो नहीं है, आप 5,000 ही मान लें, 15-20,000 से ऊपर नहीं होगा किसी भी हाल में, तो सभी कैंडिडेट का मार्क्स कंसीडर करके नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, उसमें 0.01% ऐसा करके जो टॉप कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को कंसीडर करके देखा जाता है कि इनका एवरेज क्या बन रहा है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन रहा है, उसी बेसिस पर कैलकुलेशन होता है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपके शिफ्ट में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनमें से टॉप 5%, टॉप 10% कैंडिडेट किस तरह से स्कोर कर रहे हैं, उस पर डिसाइड होगा कि आपका शिफ्ट टफ था या आसान था। मेरे या किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके शिफ्ट के टॉप 5% 10% कैंडिडेट ने किस तरह से स्कोर किया और उसका एवरेज क्या है, उसका मीन मार्क्स क्या है, उस पर डिसाइड होगा। बेस सेशन भी उस पर बनेगा और नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा ये भी उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि 21 दोपहर का क्वेश्चन भले टफ आया लेकिन 21 दोपहर को ही ये बात सामने आई थी कि बिहार शरीफ में कुछ लोगों के पास पहले से सवाल मौजूद था, पुलिस भी आई, काफ़ी हंगामा हुआ, और भी सोर्सेज से मैं ज़्यादा ओपनली नहीं नाम ले सकता हूँ या बोल सकता हूँ, लेकिन और भी लोगों के पास सवाल था और कई शिफ्ट का सवाल था काफ़ी लोगों के पास। तो किसी शिफ्ट में कितनी चीटिंग हुई है उस पे भी डिपेंड करेगा, भले आपका क्वेश्चन टफ आया लेकिन आपके शिफ्ट में अगर चोर बेईमान ज़्यादा है तो आपका शिफ्ट भी अनफॉर्चुनेटली बेस स्टेशन बन सकता है और आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं हो सकता है, ये भी मुमकिन है। तो आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। क्वेश्चन अगला है, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ माई कॉम्पिटिटर हैज़ इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू हिज रॉ मार्क्स बट माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आर सेम, वाई। अच्छा, इसको अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ, असल में मैंने कॉपी किया है कहीं से, इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या है। कोई है जो पूछ रहा है ये सवाल, MCQ जो होता है, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ये किसी RRB की वेबसाइट से मैंने ये वाला सवाल लिया है कि एक कोई कैंडिडेट है वो पूछ रहा है कि मेरे कॉम्पिटिटर का एग्ज़ाम का जो मार्क्स था वो बढ़ गया रॉ मार्क्स से पर मेरा नहीं बढ़ा, तो उसके जवाब में क्या लिखा हुआ है RRB की तरफ से, इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ ए सेशन मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इज, हिंदी में बोलूंगा बाद में, इन द सेशन आर एनालाइज्ड बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड मार्क्स ऑफ दीज पैरामीटर, ए सेशन इज टेकन एज बेस सेशन, दस नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस सेशन। ठीक है, वही बात हो रही है कि बेस सेशन जो होता है उसी को कंसिडर करके होता है, अगर आप बेस सेशन में फंस गए तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, और जिन शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत टफ आ गया उस शिफ्ट को बेस सेशन नहीं बनाया जाएगा जहाँ पर एवरेज स्कोर कम रहेगा। व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी एक गड़बड़ झाला है, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रॉन्ग, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन रॉन्ग, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन रॉन्ग। अब मान लें कि सबका मार्क्स मिल गया, किसी को 3 नंबर मिल गया, किसी को 5 नंबर मिल गया, किसी को 6 नंबर मिल गया, यहाँ पर एक एक नंबर की वैल्यू है, किसी को एक नंबर का भी फायदा हो जाता है तो वो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा कहीं डिसएडवांटेज हो जाएगा, तो सबको हम कैंसिल कर देते हैं वो भी डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो कई एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी किया गया है वो इस तरह से बैलेंस किया जाएगा कि मान लीजिए आपने 100 में 52 नंबर लाया, हालांकि यहाँ पर एग्ज़ाम 150 का था, बस 100 मान के करें, आपने 100 में 52 सही किया और आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, तो आपने 52 लाया कितने में, 98 में, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है वहाँ पर देखिए 52 लाया कितने, 98 में, और अब 52 लाया 98 में तो 100 में आप कितना लाते, उस बेसिस पर ये कैलकुलेट कर दिया गया 53.06। तो इस तरह से हो सकता है कि आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाए और यही फेयर तरीका होगा, क्योंकि अगर सबको मार्क्स दे दिया गया गलत क्वेश्चन के, किसी को 3 मिल जाएगा, किसी को 6 मिल जाएगा, तो वैसे में भी वो फेयर नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि नॉर्मलाइजेशन के जो कई सारे सवाल थे उनको आंसर किया जाए।
कई लोगों को ये गलत फहमी हो गई थी कि हर शिफ्ट के जो 50 हर सब्जेक्ट के जो 50-60 नंबर लाने वाले हैं सबको 100-100 नंबर मिल तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैथ और सोशल साइंस तक ही लिमिटेड रहेगा और बाकी सब्जेक्ट्स में जो बेस सेशन कौन सा बनता है, सभी सब्जेक्ट में बेस सेशन कौन सा बनता है उस पर डिपेंड करता है। कुल मिला के जो सारा प्रोसेस है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मलाइजेशन का जो सारा प्रोसेस है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें काफ़ी कुछ आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका किस्मत चल गया तो आपको कुछ नंबर का फ़ायदा हो सकता है, अगर नहीं चला बेस सेशन में फंस गए तो हो सकता है कि आपका मार्क्स वहीं का वहीं रह जाए। आगे क्या होगा, उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मामला क्लियर हो जाए और रिस्पॉन्स शीट आ जाए और उसके बाद फिर रिजल्ट भी आ जाए। आगे जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे, जल्दी से जल्दी खबर लाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में होगा बिहार